हाँ जी मैम मुझे हीलिंग करके, पहले जब मुझे मैंने अपनी 21 हीलिंग की, मुझे बहुत खुद को इतना रिलैक्स, लाइट इतना फील करती थी ना, बहुत अच्छा लगता था मुझे। मतलब मैं बहुत ज्यादा हाइपर रहती थी और बहुत ज्यादा टेंशन में, कि इतनी टेंशन में कि सारा टाइम काम करते थे लेकिन टेंशन। लेकिन जब से मैंने अपनी हीलिंग की है ना, मुझे इतना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा लगता। और प्लस मैंने जिसकी भी की है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो भी सब, मतलब मेरी सिस्टर है, उनको ना मैम बहुत ज्यादा, वो 13 14, अब तो वो 40 42 एज की हैं। जब वो 13 एज की थी, उनको ना तब से फिट्स आते थे, और बहुत ज्यादा कि मतलब वो ऐसे आते थे कि गिरते खड़े खड़े गिर गई, कुछ भी, मतलब बहुत डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ आराम नहीं लगा था, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब तब से मैंने उनकी ना मतलब 11 कर ली है, और तब से वो एक दिन, फर्स्ट डे तो उनको, फर्स्ट सेकंड डे तो उनको ऐसा लगा कि वो पूरा दिन उनको बहुत ज्यादा चक्कर आए, तो थोड़ा सा मैं भी घबरा गई थी सुन के कि ये क्या हो गया, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कुछ उल्टा तो नहीं हो गया। फिर मैंने कहा आपसे बात करूंगी, फिर मैंने उसको ये बोला कि तू थोड़ा ना नींबू पानी पियो पूरा दिन। मैंने उसको पूरा दिन नींबू पानी पिलाया, 3 4 दिन तक लगातार। मैं कहा तब तक मैं करती हूँ, किया 2 3 दिन, वो मतलब ऐसे कि मैं पूरा दिन, वो कह रही कि मैं पूरा दिन बेड पे लेटी हुई, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अभी, मैं फिर मैम से बात करती हूँ। फिर 2 दिन बाद मैंने उसको दोबारा थर्ड थर्ड हीलिंग दी, तब मैंने उसको पूछा कि अब, कह रही बहन अभी थोड़ा कम है। ऐसे ऐसे करते करते कम हुआ, और अब वो मेरे को मतलब अब 11 हो गई है, तो मुझे ऐसे बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आ तो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत माइनर। तो उसकी वही हीलिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, अपनी भी, अपनी सिस्टर की भी, तो जिसकी भी करती हूँ सबके, मतलब अच्छा लग रहा है उनको भी बड़ा। थैंक यू। थैंक यू मैम।